हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़र हैं। दोस्तों, अहमद शहजाद और उमर अकमल को श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए स्क्वाड में क्यों शामिल किया गया? दोस्तों, मिसबाह-उल-हक का मुमकिन प्लान सामने आ गया। दोस्तों, वीडियो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग भी अहमद शहजाद और उमर अकमल के चाहने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद और उमर अकमल को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए मुमकिना खिलाड़ियों में इसलिए शामिल किया गया कि इन्हें T20 क्रिकेट में मौका दिया जाए। दोस्तों, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जारहाना अंदाज में खेलते हैं। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों की वनडे टीम में शमूलियत का अमकान नहीं। दोस्तों, वनडे टीम में अफ्तखार अहमद, मोहम्मद रिजवान और आबद अली को मौका दिया जाएगा। दोस्तों, निजी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल-हक ने T20 वर्ल्ड कप के लिए विनिंग कम्बाइनेशन को अपना टारगेट बना लिया। दोस्तों, इनका हदफ इसलिए मेगा यूनिट में कामयाबी हासिल करना है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल-हक ने अगले बरस ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए विनिंग कम्बिनेशन को हदफ बना लिया। दोस्तों, क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगा या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट रोजगार को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।